Hello everyone, welcome back to our channel. So today we will study the 8th chapter of business study, that is planning and types of plan. And in this video we will cover two points, that is what is planning, the meaning of planning, definition of planning and the features of planning. So okay, what is planning? Simply planning, it's referred to thinking beforehand. Like kuch bhi karne se pehle, the first step that we do to do any work is वॉट वी डू प्लानिंग. सो प्लानिंग जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन का सबसे जो है फर्स्ट काम होता है जो किया जाता है. किसके पहले? बिफोर ऑर्गेनाइजिंग, आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो ये जो है ये फाइव फंक्शंस होता है मैनेजमेंट का, बट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग. तो इसमें जो फर्स्ट होता है दैट इज़ प्लानिंग. सो ये चैप्टर 8 है, प्लानिंग एंड फीचर्स ऑफ प्लान. तो प्लानिंग का हम लोग पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. So here it is given, planning forms that parts of management which lay down the objective and various activities to be done from the attainment of those activities. Under this, it is decided what is to be done, how is to be done, when it is to be done and by whom is to be done. तो क्या होता है, planning जो है ये organization का first step है और इसमें हम decide करते हैं कि काम कैसे होगा, क्या काम, what to be done, हम लोगों को क्या करना है. Here you can see what to be done. उसके बाद है how it's to be done, like क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, when it's to be done and by whom it's to be done. तो जो ये planning, it's very important chapter और इससे काफ़ी ज़्यादा question आता है. तो आप ये जो planning है इसके आप features जो है and इसका एक diagram आता है ये कैसे ये काम होता है, जो हम लोग next two video, after this video we will may read. सो इसमें आप लोग वो देख सकते हैं. तो क्या होता है, प्लानिंग फॉर्म्स द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. ओके, प्लानिंग जो ये पार्ट है एक मैनेजमेंट का, जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे कि मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ फाइव प्रोग्राम्स, फाइव फंक्शंस, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. सो दिस फाइव आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो फर्स्ट क्या होता है, ये मैनेजमेंट का एक पार्ट है. ओके, विच ले डाउन अंडर द ऑब्जेक्टिव्स. तो ऑब्जेक्टिव इसके क्या है, जो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके तरह से ये काम करते हैं. वेरियस एक्टिविटीज़ टू बी डन. जब हम लोग कुछ काम करेंगे उसके लिए हम लोग को फर्स्ट क्या करना है, प्लान करना है. अगर हम लोग का प्लानिंग रहेगा देन ओनली वी कैन डू द अदर वर्क्स. ओके, जैसे हमारे पास एक लैंड है, हम अगर प्लानिंग नहीं कि हम लोग किस चीज़ का बिजनेस करना है, उसमें हम लोग कितना कैपिटल ऐड करना है, क्या क्या हम लोग के पास रॉ मटेरियल होगा, कितने लेबर्स होंगे, उनका टाइमिंग क्या होगा, प्रोडक्शन कैसा होगा, सेल्स कौन संभालेगा. सो ये सब क्या होता है, हम लोग क्या होता है, फर्स्ट में हम लोग एक रफली एक प्लान बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं. ओके, इसमें और दिया है कि अबाउट ऑल दिस एस्पेक्ट्स इट्स कॉल्ड प्लानिंग. अ प्रॉब्लम अबाउट थिंकिंग, taking decisions on this matters arise when there are more than one possible answer, therefore it can be said to be a process of choosing. Okay, तो ये क्या होता है कि planning जब हम लोग करते हैं तो बहुत सारे हमारे पास options होते हैं. like कि अगर suppose हम लोग कर रहे हैं, हम लोग के पास दो plan है, plan A है and plan B है. तो ये दो plan इसके पास, हम लोग के पास जब हम लोग planning करते हैं तो ऐसा होता है कि अगर ये नहीं हुआ, अगर A काम नहीं किया then we will go for B. तो ये क्या होता है, हम लोग के पास एक ऑप्शन होता है. तो जितना टाइम हम लोग प्लानिंग करते हैं, जब एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है उसको कंसर्न किया जाता है कैपिटल के साथ, तो क्या होता है, ऐसा नहीं ज़रूरी है कि वहाँ पे एक पर्टिकुलर एक प्लानिंग होगा. देयर कैन बी वेरियस एक्टिविटीज़ और वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए वेरियस काइंड ऑफ प्लानिंग, वेरियस टाइप्स ऑफ प्लानिंग होना चाहिए. तो उसके लिए कहा जाना कि देयर आर, वहाँ पे प्लान हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है. लाइक अगर हम लोग फर्स्ट हम लोग ए के लिए काम करेंगे, अगर कहीं पे ए जो प्लानिंग है वो लैक किया देन वी विल गो फॉर द बी प्लानिंग. ओके, तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दिया गया ऑफ प्लानिंग. सो इन एग्जाम इफ दे विल आस्क यू टू राइट द मीनिंग और द डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग, फर्स्ट यू कैन राइट दैट इट्स रेफर्ड टू थिंकिंग बिफोर हैंड. तो प्लानिंग का एक सिंपल मीनिंग है जो आप भी समझ पाओगे एंड आप इसको अच्छा समझा भी पाओगे, कि जो प्लानिंग रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड. प्लानिंग का मतलब होता है कि आप अपना काम, मतलब अपना काम को, अपना हाथ को अपना काम में लगाने से पहले आप सोच लेना. आप सपोज आप लिख रहे हो, आपको एक आंसर लिखना है, आपको एक पीपीटी, आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना है, कोई प्रोजेक्ट है सबमिट करना है, तो आप पहले सोचोगे कि मेरे को कौन सा टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाना है, मैं क्या क्या कलर्स यूज़ करूँगी, व्हाट विल बी माय प्रेजेंटेशन, उसमें क्या क्या आर्टिकल्स यूज़ होंगे, क्या क्या फोटोग्राफ्स लगेंगे. तो ये क्या होता है, एक प्लानिंग होता है कि बिफोर आई यू विल स्टार्ट मेकिंग द प्रोजेक्ट यू विल थिंक अबाउट इट. ओके, सो डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग. तो यहाँ पे कुछ कुंटज, ओडोनिल,
ईएम हेनरी के जो है इनका कुछ डेफिनेशन दिया हुआ है, आप यहाँ से कोई भी डेफिनेशन चूज करके उसको याद कर सकते हो एंड यू कैन राइट इन योर एग्जाम. ओके, सो आई एम रीडिंग द कुंटज एंड ओडोनिंग. प्लानिंग इज अ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, हाउ टू डू, व्हेन इट टू बी डन एंड हाउ, हु इट टू बी, हु इज टू डू इट. ओके, सो ऑलरेडी इसमें मैंने कहा है, तो ये कुंटज एंड ओडोनिंग कहते हैं कि प्लानिंग हम लोग क्यों करते हैं, प्लानिंग का डेफिनेशन क्या है. तो प्लानिंग हम लोग इसलिए करते हैं कि हम लोग को पता चले कि कैसे करेंगे काम, कोई भी काम है वर्क ए, ओके, कुछ भी एक काम है ए, तो हम लोग कुछ सोचे कि वी विल, हम लोग क्या है, हम लोग शूज़ बनाएंगे. ओके, हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो शूज़ होगा, शूज़ बनाएंगे हम लोग. तो उसके लिए कैसे बनाएंगे, कब बनाएंगे, लाइक फ्रॉम व्हेन वी विल स्टार्ट आवर बिजनेस, कौन बनाएगा, कितना टाइम लगेगा, क्या रिसोर्सेज लगेंगे, ये सब इसके प्लानिंग के अंदर आता है. ओके, ये सब दो तीन जो है ये इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, यू कैन गो फॉर एनी. ओके, तो इसमें ये कहा जाता है कि प्लानिंग इन्वॉल्व्स चूजिंग एंड इट्स चीफ ऑब्जेक्टिव इज टू एंटिसिपेट द फ्यूचर कोर्सेज ऑफ इवेंट एंड गिव इट अ डिजायर्ड डायरेक्शन. तो क्या होता है, जब हम लोग एक सही से प्लानिंग करते हैं, जब तक हम लोग कुछ प्लान नहीं करते तो वो हम लोग क्या होता है, हम लोग कुछ स्टेप नहीं ले पाते. विदाउट प्लानिंग वी कांट टेक एनी स्टेप. और जब हम लोग एक अच्छा प्लानिंग कर लेते हैं और हमारे पास प्लानिंग इन्वॉल्व्स चूज करने के लिए लाइक हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस होता है कि हम लोग अगर ये नहीं कर सकते तो हम लोग ये कर सकते हैं. तो इसके लिए क्या होता है, बहुत सारा हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं चूज़ करने के लिए. और जो फ्यूचर कोर्स इवेंट, जो फ्यूचर जो होता है लाइक फ्यूचर में जो भी काम आगे बढ़ता है उसके लिए हम लोग को बहुत हेल्प करता है, अगर उसका डिजायर्ड डायरेक्शन हो. ओके, सो अब क्या हुआ कि हम लोग प्लानिंग कर लिए, हम लोग ए प्लान किए हैं कि वी विल डू दिस फर्स्ट और अगर ये काम नहीं किया देन वी विल डू बी. और हम लोग ये नहीं करके हम लोग क्या करते, अगर हम लोग बी प्लान को फर्स्ट में लगाते हैं और ए बाद में, तो या फिर ऐसे आप सोच सकते हो कि हम लोग कुछ सोचे कुछ और है कि हम लोग 50,000 लेके अपना बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, उस प्लेस में हम लोग 10,000 ले लिए. ओके, तो शॉर्टेज क्या हुआ, अब हम लोग इम्प्लॉयज़ वहाँ पे हम लोग सोचे थे कि 50,000 में हम लोग 10 इम्प्लॉयज़ लेंगे और हम लोग क्या किए, 10,000 में लेके हम लोग 10 इम्प्लॉयज़ रख लिए. तो ये क्या हो गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कैपिटल, रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन, सेल, एंड जब एक बिजनेस स्टार्ट होता है तो बहुत कुछ लाइक उसका एसेट होता है, देन उनसे लोन लिया जाता है, काफ़ी कुछ होता है. तो उसके लिए फिर हम लोग को जो लेबर है उनको हम लोग को रेम्यूनेशन भी, उनको सैलरी, उनको वेजेस भी प्रोवाइड करना है. तो ये क्या एक रॉन्ग अप्रोच है, हम लोग प्लानिंग किए हैं ये एंड वी आर डूइंग दिस, तो इससे क्या होगा कि आपका प्लान ख़राब हो सकता है, आपका बिजनेस जो है ख़राब हो सकता है. सो इसीलिए कहते हैं कि विदाउट टेकिंग इन हैंड, विदाउट रेफर इन हैंड, यू कैन, यू थिंक बिफोर इट. सो इसके लिए हम लोग जो प्लान किए हम लोग वही प्लान को अप्लाई करेंगे. इन रियलिटी प्लानिंग बिकम नेसेसरी व्हेन देयर आर मेनी ऑल्टरनेटिव टू चूज फ्रॉम. अब क्या होता है, एक तो हो गया कि हमारे पास, हम लोग कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग प्लान करते हैं कि हाँ चलो हम लोग ऐसे करके एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे. लेकिन जो दूसरा सिनेरियो है उसमें ये बोला जाता है कि सपोज हमारे पास बहुत सारा प्लान है. ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 3 पार्टनर्स है. ओके, एक कहते हैं कि हम लोग कुछ ईडेबल प्रोडक्ट का हम लोग करते हैं बिजनेस, कोई कहते हैं कि हम लोग कुछ जो होता है लाइक सेल फोन्स एंड ऑल इलेक्ट्रॉनिक करते हैं. ओके, इलेक्ट्रॉनिक करते हैं, कोई कहता है कि वी विल डू अ क्लोथ्स. तो ये क्या होता है, हमारे पास काफ़ी सारा ऑप्शंस होता है. या फिर कुछ 3 पार्टनर्स हैं, उन्होंने के पास, सबके पास अलग अलग आइडियाज़ है, अलग अलग अच्छे आइडियाज़ है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए. तो इसमें क्या हो जा रहा है कि बहुत सारा क्या होता है, ऑल्टरनेटिव्स है हमारे पास, लाइक वी हैव मेनी ऑल्टरनेटिव्स कि ये करेंगे वो करेंगे, ये भी करेंगे वो भी करेंगे. तो इसमें क्या होता है, एक क्लैश हो जाता है कि लास्ट में जब आप बहुत कुछ सोचते हो तो कुछ भी नहीं हो पाता है. तो अगर हम लोग सही से प्लान करेंगे तो ये चीज़ यहाँ पर नहीं होगा. यहाँ पर क्या होगा, हम लोग सोच सकते हैं कि हम लोग को क्या करना है, हम लोग सबसे चूज़ करके लाइक कुछ ए का कुछ आइडियाज़ ले लिए, बी से कुछ आइडियाज़ लिए, सी से कुछ आइडियाज़ की, सबको मिलकर अपना आइडियाज़ इन्वॉल्व करके सारे ऑल्टरनेटिव्स को लेके एक फाइनल प्लान बनता है और पूरा ऑर्गेनाइजेशन उसी के अकॉर्डिंगली काम करता है. तो ऐसे होता है प्लानिंग. ओके, सो वी नाउ वी विल रीड अबाउट फीचर्स ऑफ प्लानिंग. तो फीचर्स ऑफ प्लानिंग में क्या होता है, फीचर्स. ओके, फर्स्ट इज, फर्स्ट फीचर्स, प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स.
सो प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग फोकस अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। ओके सो कहते हैं प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। इसमें क्या होता है कि हम लोग प्लानिंग क्यों करते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन, हम लोग बिजनेस क्यों करते हैं? क्यों हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव्स है टू मेक प्रॉफिट। फर्स्ट आंसर इज टू मेक प्रॉफिट वी डू बिजनेस। सेकेंड क्या होता है कि हम लोग प्लानिंग इसीलिए करते हैं सो वी कैन गेट अ डिजायर रिजल्ट। अगर हम लोग प्लानिंग किए, बहुत सारा उसमें कैपिटल लगाए और हम लोग को प्रॉफिट नहीं मिला और हम लोग जो ईयर के एंडिंग है इवेंचुअली लॉस हो गया, तो ये क्या एक डिज़ायर रिजल्ट हुआ? ऑफ कोर्स नॉट। सो प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। तो हम लोग कुछ अपना जो ऑब्जेक्टिव्स, एक हर एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। ओके प्रिंसिपल्स होते हैं, नेचर होते हैं, बिजनेस का नेचर होता है तो वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है। जो प्लानिंग होता है वो क्या होता है, फोकस करता है व्हाट, फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट ब्रिंग्स द प्लानिंग एंड प्लानिंग बिगिंस विद द डिटरमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो प्लानिंग हम लोग क्यों करते हैं? प्लानिंग वी डू प्लानिंग टू डिटरमाइन समथिंग, लाइक एक डिटरमिनेशन होता है कि हाँ हम लोग अब ये काम करेंगे एंड वी विल डू द वर्क लाइक दिस वे, वी नीड दिस मच एम्प्लॉयज इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, द एम्प्लॉय विल डिवाइडेड इन सच मैनर्स, वी हैव टू कम्प्लीट दिस वर्क इन 10 डेज, वी हैव टू डू दिस अमाउंट ऑफ जॉब, वी वॉन्ट दिस, वी रिक्वायर दिस अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल्स। ओके इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव नो ऑग्रेशंस कैन एवर बी थॉट अबाउट। लाइक अगर हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स नहीं, हम लोग को पता नहीं कि लोग क्या काम करना है, तो क्या होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन सही से काम नहीं कर पाएगा। विद द डिटरमाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स द वे टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स इज डिसाइडेड इन द प्लानिंग, इन केस इट इज़ नेसेसरी टू चेंज द प्रीवियस डिसाइडेड कोर्स ऑफ एक्शंस फॉर द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स देयर इज नो hesitations to do it. Okay. अगर हमारे पास एक क्लियर प्लानिंग रहा, इफ वी हैव अ क्लियर प्लानिंग वी नो वी वट टू डू, तो हमारे पास कोई हेजिटेशन नहीं रहेगा, देर विल बी लेस चांसेस ऑफ एनी कंफ्लिक्ट, दस इट्स क्लियर दैट प्लानिंग हेल्प्स टू अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ओके तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है जिसको आप अच्छा समझ पाओगे। तो ये सिंपली मैं आपको बता देती हूँ, प्लानिंग हम लोग इसीलिए करते हैं सो वी कैन अचीव आवर फ्यूचर गोल्स। ओके फॉर एग्जाम्पल, a company decide to achieve annual sales of rupees 12 crores. After deciding upon this objectives, planning to achieve this objective shall immediately come into force. Okay. So, एक company है, suppose there is a company and it's, they are like, they are thinking that they will, the sales, their annually sales will be 12 crores. After deciding upon this objective, तो ये क्या है, जो 12 crore, they decided that this year, हमारे पास क्या होता है, क्या होगा, 12 करोड़ सेल होगा इस साल, हम लोग को एनुअली हम लोग को 12 करोड़ सेल करना है। ओके तो ये क्या, ये उन लोग का ऑब्जेक्टिव हो गया। ओके ये उन लोग का ऑब्जेक्टिव हो गया कि दिस ईयर दे विल अचीव 12 करोड़। सो ये लोग डिसाइड कर लिए, प्लान कर लिए टू अचीव द ऑब्जेक्टिव शैल इमीडिएटली कम इनटू फोर्स। तो फर्स्ट क्या हुआ, वो लोग प्लान किए अपना ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जो हम लोग 12 करोड़ हम लोग का ऑब्जेक्टिव्स है, और जैसे इन लोगों के पास प्लान आया कि हम लोग को ये 12 करोड़ जो उसको अचीव करना है, वो अपना काम पे लग जाएंगे, दे विल इमीडिएटली कम इनटू फोर्स। इट्स वर्थ थॉट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स बाय गिविंग एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर। ओके सो अब उन्होंने सोचा कि हमारा जो बिजनेस, सपोज कोई भी एक बिजनेस होता है, आप ये समझ लो लाइक आपने कोई भी बिजनेस करा एंड आपको उसके लिए पब्लिसिटी चाहिए, पीपल विल नो, देन दे विल कम एंड दे विल ज्वाइन और दे विल बाई थिंग्स प्रोडक्ट फ्रॉम यू, तो उनको पता तो चलना चाहिए, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट इज नेसेसरी। तो वो सोचते कि फर्स्ट हम लोग एडवर्टाइजमेंट करेंगे। ओके देन आफ्टर सम टाइम इट्स कम्स टू बी नोन दैट द मीडियम ऑफ एडवर्टाइजमेंट अपीयर टू बी इनकैपेबल ऑफ अचीविंग द टारगेट इन सच अ सिचुएशंस, द मीडियम ऑफ एडवर्टाइजमेंट कैन बी चेंज एंड इट कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम न्यूज़पेपर टू टेलीविजन। तो इन सम टाइम दे रियलाइज दैट जो न्यूज़पेपर है, द मीडियम ऑफ न्यूज़पेपर शुड बी चेंज एंड इट शुड बी स्विच फ्रॉम न्यूज़पेपर टू टेलीविजन। लाइक पहले एक टाइम था, दैट टाइम न्यूज़पेपर वॉज द मोस्ट लाइक लाइकिंग और मोस्ट फेमस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके से अब इंटरनेट है एंड वी गेट मोस्ट ऑफ द सोर्सेज फ्रॉम इंटरनेट। तो एक टाइम हुआ था जिस टाइम पर न्यूज़पेपर
मतलब मैक्सिमम लोग जो है वो न्यूज़पेपर से अपना इंफॉर्मेशन, और न्यूज़पेपर होता है बेस्ट फॉर पब्लिसिटी. तो देन अ कंपनी रियलाइज कि आजकल न्यूज़पेपर से ज़्यादा क्या होता है, अगर आप कुछ एडवर्टाइज लाइक टेलीविजन, सारे पीपल्स देखते हैं, हम लोग एड्स देखते हैं टेलीविजन में, तो उसको न्यूज़पेपर नहीं डाल के एडवर्टाइजिंग को हम लोग टेलीविजन में करेंगे. तो ये क्या होता है, वो डिसाइड करते हैं. नेक्स्ट, इन दिस वे देयर पॉसिबल चेंजेस मेड थ्रू द प्लान एक्शंस ऑफ द पर्पस ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स. तो ये क्या हुआ, ये उन लोग का फर्स्ट प्लानिंग था कि हम लोग 12 करोड़ हम लोग इस साल सेल करेंगे, ये उनका ऑब्जेक्टिव था. देन दे डिसाइडेड कि हम लोग को इसके लिए एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा, वी नीड अ स्ट्रॉन्ग एडवर्टाइजिंग ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन. जब वो एडवर्टाइजिंग किए, देन दे डिसाइडेड कि वी विल डू फ्रॉम न्यूज़पेपर. ओके, न्यूज़पेपर से हम लोग करेंगे. एंड लेटर ऑन दे डिसाइडेड कि न्यूज़पेपर का जो सोर्स, मतलब उसका जो टाइम होता है, वो काफ़ी टाइम टेकन हो जाएगा, और ऐसा भी नहीं कि बहुत सारे पीपल्स को पता चलेगा. तो सबसे ज़्यादा यूज़ क्या होता है, टेलीविज़न. ओके, तो ये लोग सोचे कि हम लोग अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टेलीविज़न पे हम लोग अपना एडवर्टाइजिंग को देंगे. सो दिस वॉज द फर्स्ट, दैट प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव. सेकेंड क्या है, प्लानिंग इज़ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ओके, सो सेकेंड क्या होता है, प्राइमरी जो प्लानिंग है वो प्राइमरी है, लाइक फर्स्ट थिंग. जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि प्लानिंग जो है इट इज़ अ प्राइमरी थिंग, लाइक जो फर्स्ट हम लोग प्राइमरी जो चीज़ होता है जो सेकेंडरी के पहले आता है. ओके, सो प्राइमरी की जो फर्स्ट चीज़ होता है हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ओके, तो फंक्शंस आपको मैंने बताया, 5 फंक्शंस होते हैं, आई विल नॉट रिपीट अगेन. प्लानिंग इज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. दिस अदर फंक्शंस, एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग कम्स लेटर. ओके, वी नो दैट कि प्लानिंग जो है वो सबसे फर्स्ट में होता है, और बाकी जितने फंक्शंस होते हैं दे कम्स लेटर. अब क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ प्लानिंग नो अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी परफॉर्म, दिस इज टू द बेस ऑफ अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. ओके, तो आप ही सोचो, अगर हमने एक प्लान, मतलब हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन खोलेंगे एंड वी हैव नो प्लानिंग कि हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, उसमें लेबर कितने होंगे, हम लोग क्या बनाएंगे, क्या सेल्स होगा, क्या प्रोडक्शन होगा, एंड देर आर लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट. तो यह सब कुछ अगर हम लोग प्लानिंग नहीं करेंगे तो ये सब कुछ नहीं हो पाएगा. तो प्लानिंग, अगर हम लोग जब तक प्लानिंग नहीं करेंगे तो जितने भी बाकी जो जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स है, लाइक फंक्शंस है, ऑर्गेनाइजिंग, हम लोग ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे कि कौन कौन सा जॉब करेगा. स्टाफिंग नहीं कर पाएंगे हम लोग, रिक्रूटिंग नहीं कर पाएंगे न्यू, अगर हमारे पास प्लानिंग नहीं होगा तो हम लोग जो एम्प्लॉयज़ को अपने ऑर्गेनाइजेशन में बुलाएंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, आपको यहाँ पे क्या काम करना है, क्योंकि हमारे पास तो कुछ काम है नहीं, हम लोग सोचे ही नहीं कि हम लोग क्या काम करना होता. तो फर्स्ट क्या होता है कि ऑर्गेनाइजिंग जो है वो नहीं होगा, देन स्टाफिंग जो है वो नहीं होगा. जब स्टाफ ही नहीं होगा तो हम लोग डायरेक्ट किसको करेंगे, वो भी नहीं होगा. और जब स्टाफिंग और डायरेक्टिंग नहीं होगा तो कंट्रोल करने का कोई सवाल ही नहीं होता है. तो जब तक हम लोग प्लानिंग नहीं करेंगे तो ये जो 5 चीज़ है इसका यहाँ पे कोई काम नहीं होता. तो दिस इज़ द सेकेंड थिंग, दैट इट इज़ अ प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. थर्ड इज़ प्लानिंग इज़ पावरशिप. सो ये पावरशिप वाला जो, ये हम लोग मैनेजमेंट में भी पढ़े थे, यू कैन सी द वीडियो. ओके, सिंस द जॉब ऑफ प्लानिंग इज़ परफॉर्म बाई द मैनेजर्स एट डिफरेंट लेवल्स वर्किंग इन टू द इंटरप्राइजेस, इट इज़ अपॉइंटेड appropriated in calls and all powership. Okay, so क्या होता है, ये जो planning का job है जो perform किया जाता है by the manager at different level. तो हम लोग after like हम लोग levels of management पढ़े थे, right? Okay, so these are top level, middle, top, middle, lower and platform level. Okay, ये जो होता है ये managerial level होता है, और ये जो होता है दिस इज़ नॉन मैनेजरियल लेवल. तो ये जो होता है ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं उसे, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. ओके, तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में हम लोग क्या पढ़े थे, टॉप, लोअर, मिडिल एंड लोअर, सॉरी लोअर. तो टॉप में कौन रहते हैं, सीईओ, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये सब जो होती है टॉप में रहते हैं. मिडिल इज़ फॉर द डिप्यूटी मैनेजर, डिपार्टमेंटल डिप्यूटी, एंड लोअर इज़ फॉर द सुपरवाइजर, एंड प्लेटफॉर्म इज़ फॉर द एम्प्लॉय एज वेल एज लेबर. तो इसमें यह कहा जा रहा है कि सिंस द जॉब ऑफ प्लानिंग इट्स परफॉर्म बाई द मैनेजर एट डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट वर्किंग एंटरप्राइजेस. ओके,
जितने भी लेबल्स होते हैं उसके जितने भी मैनेजर्स होते हैं लाइक मैनेजर लेवल में जो तीन लेबल है दे ओनली डिसाइड कि अब हम लोग का नेक्स्ट प्लान क्या होगा और दे प्लान द थिंग. जो टॉप लेवल हो मतलब जो टॉप लेवल में जो मैनेजर होते हैं CEO ओके CEO ऑफ अ कंपनी ओके तो जो टॉप लेवल में जो CEO है होते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि अब हम लोग कौन सा काम करना है. ओके सो ये जो है ये फुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को कौन सा काम करना है, हम लोगों का काम कैसे होगा. जो सेकेंड होते हैं वो सुपरवाइज़र को डायरेक्ट करने के लिए कुछ प्लान करते हैं कि सुपरवाइज़र ऐसे ऐसे काम करेंगे और जो सुपरवाइज़र होते हैं वो लेबर्स को हैंडल करने के लिए वो भी कुछ अपना प्लान बना लेते हैं. तो जो मैनेजरियल लेवल होते हैं ये सब अपने जो लेवल के हिसाब से प्लानिंग करते हैं. नेक्स्ट इज ओके इट्स मे बी अ मैनेजमेंट डायरेक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और अ फोरमैन इन अ फैक्ट्री. द टाइम स्पेंड बाई द हायर लेवल मैनेजर इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज कम्प्लीटली मोर देन द टाइम स्पेंड बाई द मिडिल लेवल एंड द लोअर लेवल ऑफ मैनेजर. इट इज देयरफॉर क्लियर दैट ऑल द मैनेजर्स वर्किंग इज एन एंटरप्राइज हैव अ प्लान देयर एक्टिविटीज. तो यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि ये जो दो है लाइक द मिडिल एंड द लोअर लेवल इनके अकॉर्डिंगली लाइक इनके कंपेरिजन में जो टॉप लेवल के जो मैनेजर होते हैं दे वर्क मोर देन द लोअर एंड मिडिल लेवल. ओके लेट्स मेक अ फ्रेश डायग्राम. ओके तो इनके कंपेरिजन में जो इनका काम होता है प्लानिंग का बेसिकली ये ज़्यादा होता है. ओके सो सबके जितना भी मैनेजरियल लेवल है इसके लिए सबके लिए प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल द डिसीजन ऑफ एक्सपेंड बिजनेस इज टेकन बाय द हायर लेवल मैनेजमेंट. द डिसीजंस ऑफ सेल प्रोडक्ट इज टेकन बाय द मिडिल लेवल ऑफ एंड द लोअर लेवल. ओके सो जो लाइक फर्स्ट जो टॉप लेवल है जो हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उन्होंने क्या डिसीजन लेते हैं कि हाउ वी कैन एक्सपेंड आवर बिजनेस. हम लोग के बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उसको ज़्यादा स्पेंड किया जाए. एंड उसके जब ये अपना प्लान बना लिए कि हम लोग जो है ये अपना प्लान करके अपने जो लोअर मैनेजरियल लेवल है उनको ये बता देते हैं कि हम लोग को अपना बिजनेस को क्या करना है, जो हम लोग का बिजनेस को हमको ज़्यादा एक्सपेंड करना है. अब एक्सपेंड कैसे होगा, तो जो लोअर लेवल है वो क्या करते हैं अपना जो बिजनेस द डिसीजन ऑफ प्रोडक्शन इज टेकन बाई द मिडिल. तो जो सेल और प्रोडक्शन है लाइक उसको इंक्रीज कैसा किया जाए उसका प्लानिंग लोअर और मिडिल लेवल करते हैं. क्यों, क्योंकि उनको ये जो प्लान है इसको भी उसको मतलब अचीव करना होता है. इसलिए ये जो प्लान करते हैं उसके अकॉर्डिंग दूसरा लेवल ऑफ मैनेजमेंट प्लान करते हैं क्योंकि उनका जो ग्रुप गोल होता है वो ग्रुप गोल होता है, उनको अचीव करना होता है. ओके देन फोर्थ इज प्लानिंग इज कंटिन्यूअस. ओके तो प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. कैसे, बिकॉज यहाँ पे कुछ ए बी सी करके थ्री पॉइंट्स दिया गया है, दे आर वेरी सिंपल. फर्स्ट क्या है, प्लानिंग प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड हेंस देयर इज नीड फॉर अ न्यू प्लान आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड. ओके हम लोग के पास सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे क्या हुआ, एक हम लोग को नया ऑफर और एक नया क्लाइंट विजिट और हम लोग को नया काम मिला कि वी हैव टू मेक 5,000 चेयर्स. उसका हमारे पास एक ऑर्डर आया है. ओके सो ये 5,000 चेयर्स वी गॉट अ वेरी बिग डील और इसके लिए हम लोग प्लान करेंगे कि इन 20 डेज वी हैव टू कंप्लीट 5,000 चेयर एंड वी हैव टू गिव द डिलीवरी ऑफ द चेयर्स. तो ये उसके हिसाब से लाइक वो काम आने से पहले जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, जो लेवल्स ऑफ मैनेजर्स होते हैं, दे विल डू अ प्लान कि इतने एम्प्लॉयज इसका ये काम करेंगे. डिविजन ऑफ वर्क, ओके आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इट. डिविजन ऑफ वर्क में क्या होता है, सबको अपना अपना काम असाइन किया जाता है. देन दे विल डिसाइड दैट दिस मच पीपल विल डू दिस वर्क, दिस मच पीपल विल डू दिस वर्क. तो ये जब काम होता है लाइक इन 20 डेज दे विल कम्प्लीट द वर्क. आफ्टर कम्प्लीटिंग द वर्क उनका वो जो काम है वो ख़त्म हो जाता है, दे गेट द मनी एंड द जॉब इज़ ओवर. फिर से उनको जो नया जॉब असाइन होगा, द न्यू टास्क दे विल गेट, तो उसके लिए उन लोग को न्यू प्लानिंग करना पड़ता है. सो फर्स्ट दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस बिकॉज एक काम गया द प्लानिंग ओवर देयर ओनली द नेक्स्ट वेन द नेक्स्ट वर्क विल कम वी हैव टू प्लान अगेन एंड अगेन. सो ये क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस. ओके दिस वन द फर्स्ट वन. ओके सेकेंड में क्या है,
in case of any discrepancy, plans are to be reserved. Okay, suppose कुछ problem हो गया, okay, हम लोगों को जो काम करना था उसके लिए हम लोग के पास रॉ मटेरियल कम हो गया, या फिर हमने विच आई हैव टोल्ड कि हमारे पास हमेशा दो या तीन और वेरियस काइंड ऑफ प्लान वी हैव ऑप्शन वी हैव टू चूज और वी हैव टाइप्स ऑफ प्लान, तो हमारे पास ए जो है हम लोग का वो फेलियर हो गया फॉर एनी रीजन. ओके, सो हमारे पास हमेशा एक ऑल्टरनेटिव रहना चाहिए, ऐसा काम होता है. दिस इज द सेकेंड वन. सी, इन केस ऑफ रैपिड चेंज इन द बिजनेस एनवायरमेंट प्लान्स आर टू बी रिजर्व. ओके, सो एक तो हो गया ये वाला. तो रैपिड चेंज क्या हो गया कि सपोज हमारे पास 50,000 चेयर्स का ऑर्डर था एंड इन मिडिल ऑफ द वर्क दे सेड दैट वी वॉन्ट 50,000 मोर लाइक द डबल. तो ये क्या हुआ, ये एक अपॉर्चुनिटी हुआ एज वेल एज ये एक लाइक उनको फिर से प्लानिंग करना पड़ेगा कि हमारे पास एम्प्लॉयज इतने हैं, हमारे पास काम इतना है. तो वो क्या होता है, ऑलरेडी एक प्लान वो लोग चूज करके रखते हैं. ठीक है, जैसे अगर ये नहीं हुआ तो वो ही सही, और अगर ये ऐसे काम हो रहा तो उसके लिए फिर से प्लान उनको बनाना पड़ेगा कि अगर 50,000 चेयर्स के लिए हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं तो मोर 50,000 चेयर्स के लिए हम लोग कैसा काम करना पड़ेगा. ओके, द फिफ्थ वन इज प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक. ओके, फ्यूचरिस्टिक मतलब फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचर से रिलेटेड होता है प्लानिंग. तो वो हम लोग पहले ही पढ़े थे कि प्लानिंग इज़ द फर्स्ट प्रोसेस जो हम लोग को फ्यूचर के बाकी के जो काम होते हैं उनको करने के लिए इट हेल्प करता है हम लोगों को. ओके, प्लानिंग डिसाइड्स द प्लान्स ऑफ एक्शंस, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, व्हेन इट टू बी डन, बाय हुम इट टू बी डन. लाइक आई हैव टोल्ड दिस, ऑल दोज क्वेश्चन आर रिलेटेड टू फ्यूचर. अंडर प्लानिंग आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन वेयर फाइंड आउट. While an effort is made to find out these answers, the possible of social, economic, technical and changes in legal for work are kept in mind. Since planning is considered with future activities called futuristic. Okay. So, जब हम लोग planning करते हैं तो हमारे पास कुछ question होते हैं, वो arise होते हैं, like कौन करेगा, कैसे करेगा, कितना time पे करेगा, कब से करेगा, ये सब जो है, और क्या करेगा, ये सब एक question होता है. तो जब लोग हम लोग प्लानिंग नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चंस का आंसर हमें नहीं मिलेगा. आफ्टर गेटिंग द आंसर देन ओनली वी कैन स्टार्ट द वर्क. ओके, ये फर्स्ट हुआ. देन नेक्स्ट बोलते हैं कि जो एक एफर्ट लगाया जाता है ये काम करने के लिए और आंसर को निकालने के लिए, तो ये पॉसिबिलिटी क्या होता है, सोशली, इकोनॉमिकली, टेक्निकली. अब सोशली क्या हो गया कि जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन खोले हैं, यू हैव नो नंबर, लाइक जीरो नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज, आपने दो पार्टनर मिलकर करे हो, आप मैनेजर हो और आप सीईओ हो ऑर्गेनाइजेशन के, एंड यू हैव नो एम्प्लॉयज एंड यू नीड एम्प्लॉयज टू मेक द वर्क डन एंड इट्स टू बी डन इन एफेक्ट एंड एफिशियंट मैनर. तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, यू नीड एम्प्लॉयज. तो एम्प्लॉयज, जब तक आप एम्प्लॉय रिक्रूट नहीं करोगे, जब तक एम्प्लॉयज को अपना ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लाओगे, उसके लिए एम्प्लॉयज को पता कैसे चला, यू नीड सोशलाइजेशन. जब तक आपने एक आपने ऑर्गेनाइजेशन खोला है, आपने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है, बट अनटिल द पीपल, द पब्लिक विल नॉट कम टू नो अबाउट द प्रोडक्ट कि आप क्या बना रहे हो, वो क्या क्वालिटी का प्रोडक्ट है, आप किस टाइप का है, उसका यूजेस क्या है, जब तक सोशलाइजेशन नहीं होगा पीपल विल नॉट बाइट अबाउट इट. आप कुछ एक प्रोडक्ट बना रहे हो, उसको किसी को पता ही नहीं कि आप क्या बना रहे हो, तो कोई खरीदेगा, नहीं खरीदेगा. तो दैट इज नॉट सोशल. इकोनॉमिक, इकोनॉमिक क्या होता है, इकोनॉमिक मीन्स मनी. तो आपके पास भी वो इकोनॉमिक होना चाहिए, आपके पास भी मनी होना चाहिए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, एज वेल एज आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो वो भी इकोनॉमिक होना चाहिए, लाइक जो पीपल्स अफोर्ड कर पाए. ऐसा नहीं कि आप एकदम स्टार्टिंग में बिजनेस, आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा कॉस्टली है जो कोई अफोर्ड कर ही नहीं सकता, दे विल नॉट टेक अ चांस टू बाई लाइक एक न्यू प्रोडक्ट को इतना कॉस्ट दे के बाई करना, नो वन विल प्रेफर. ओके, टेक्निकल इशू क्या होता है, लाइक सबको पता चलना चाहिए एंड वो काम जो है वो सही से करें, रॉ मटेरियल्स आ जाता है उसमें, सेल्स आता है, प्रोडक्शन ऑफ देयर ऑल आर कम अंडर टेक्निकल. ओके, सो ये सब चीज़ होता है जो हम लोग फ्यूचर के लिए सोच के रखते हैं, और ये सब चीज़ इसीलिए कहते हैं ये फ्यूचरिस्टिक है. फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी इज प्लानिंग टू मार्केट अ न्यू प्रोडक्ट. While doing it shall have to keep in mind the customer and the interest taste of people also profitably and change in them. Okay. So, इसमें क्या कहा जाए, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, वो अपना एक न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं मार्केट के साथ, तो ऑन द सेम टाइम दे ऑल्सो शुड कीप इन देयर माइंड कि कस्टमर का इंटरेस्ट, टेस्ट, पीपल, लाइक हर किसी का टेस्ट और उनका इंटरेस्ट, कॉस्ट, उसका
जो है वो सही होना चाहिए. ओके सो ये हो गया 5 पॉइंट. 6 पॉइंट है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. ओके सो प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग हम लोग को इन्वॉल्व करता है डिसीजन बनाने में. प्लानिंग कम्स अ नेसेसिटी व्हेन देयर आर मेनी अल्टरनेटिव्स टू डू अ जॉब. अ प्लानर चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव्स. सो हम ये बता चुके कि जब हम लोग कोई प्लान करते हैं तो हमारे पास एक अल्टरनेटिव प्लान होता है. ये ए एंड बी वाला जो एग्जांपल मैंने दिया था, तो क्या होता है अगर प्लान ए काम नहीं करे तो प्लान बी हम लोग चूज़ करेंगे. प्लान बी काम नहीं करे तो वी विल मेक अल्टरनेटिव वन मोर. ओके सो उनके पास एक अल्टरनेटिव डिसीजन मेकिंग. लाइक सपोज एक आप सोच लो, इसको मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, मैं आपको सिंपल में बता देती हूँ क्या होता है. हमारे पास एक कुछ बड़ा सा ऑर्डर आया है तो हम लोग क्या हुआ, हम लोग उसके लिए तीन प्लान बनाए हैं, ए बी एंड सी. ओके सो अगर सपोज ए काम होते होते रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया, ओके तो उस केस में हम लोग बी यूज़ करेंगे, बी प्लान, कि हम लोग कैसे बाकी काम पूरा करना है. तो ये जो ए से जो बी जो काम स्विच कर रहा है ना, तो ये भी काफ़ी, क्योंकि यहाँ पे ए भी लग रहा है नॉर्मल सा, बट जब ये बिजनेस में होता है तो एक प्लान से दूसरा प्लान स्विच करना इट्स अ बिग डिसीजन. तो जब ऐसा होता है सो इसीलिए कहा जाता है कि प्लानिंग इज़ अ डिसीजन मेकिंग टास्क. तो ये जो एक ए से बी स्विच करना, अगर बी काम नहीं किया देन स्विच टू सी, तो ये क्या एक डिसीजन है जो हम लोग बना रहे हैं फॉर सी. तो ये इसीलिए इसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग. एंड द लास्ट पॉइंट इज प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज. ओके सो दिस इज अ फन वन. 7 है प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज. कैसा मेंटल एक्सरसाइज होता है तो ये करना चाहिए. प्लानिंग इज नोन एज मेंटल एक्सरसाइज एट इट इज रिलेटेड टू थिंकिंग बिफोर डूइंग समथिंग. ओके सो प्लानिंग को हम लोग इसीलिए मेंटल एक्सरसाइज कहते हैं बिकॉज हम लोग कुछ करने से पहले सोचते हैं. दैट इज नोन है, दैट इज बिकॉज इट इज मेंटल एक्सरसाइज. अ प्लानर हैज़ मेनली टू थिंक अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चन. अगेन यहाँ पे वो सेम जो तीन चार बातें हैं वो घुमा घुमा के कहा गया है. सो इफ़ यू विल रीड वंस सो यू विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस नाइसली. तो जो भी प्लानर होते हैं, जो भी प्लान करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और अगर आप इसको अपने रियल लाइफ से भी जोड़ सकते हो तो कर सकते हो. तो ये क्या होती है, ये चार बात सोचते हैं, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु इज़ टू डू इट. क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा, ये चार बात है ये एक प्लानर सोचते हैं. और ये इसके लिए एक मेंटल एक्सरसाइज है. वाओ ओके सो फर्स्ट इट व्हाट टू डू, क्या करना है, लाइक काम कैसे करना है, हाउ टू डू कौन करेगा, कब करेंगे और कैसे करेंगे. सो दिस आर द 4 पॉइंट दैट्स कम अंडर प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज. होपफुली विल नेवर फॉरगेट इट. सो इसका जो दूसरा पॉइंट है इम्पॉर्टेंट ऑफ प्लानिंग, उसका कुछ पॉइंट्स है. देन देर आर लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग ऑल्सो एज वेल. प्लानिंग प्रोसेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लानिंग प्रोसेस दैट आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड इट सीम्स बिट लॉन्गर चैप्टर, सो वी विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो प्रोबेबली. थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो.